हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भेल शेयर के ऊपर, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे। स्टॉक में आज हम लोगों को 6.5% का एक अच्छा इंट्राडे में तेजी देखने को मिला। उन सभी बातों पर हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं भेल शेयर के ऊपर। भेल के शेयर में हम लोगों को इंट्राडे में एक बहुत ही अच्छा तेजी देखने को मिला। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक जो है 1 मंथ में 27% का ऑलरेडी रिटर्न दे चुका। और स्टॉक क्लियरली जो है लास्ट 1 मंथ से एक बहुत ही अच्छा रैली शो कर रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे लास्ट 6 मंथ के, तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट अपने 6 मंथ के हाईएस्ट लेवल के अराउंड ट्रेड कर रहा है, अभी उस लेवल को टच नहीं किया है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस स्टॉक के चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पे देखेंगे तो डेली चार्ट में हम लोगों को क्लियरली एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पे एक अच्छा तेजी देखने को मिला था, और आज के सेशन में भी वापस से इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। भेल के ऊपर अगर बात करेंगे तो भेल को भी कंटिन्यूसली जो है गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसी चीज़ का रिफ्लेक्शन हम लोगों को टेक्निकली भी चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो वीकली चार्ट में क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है 80 का लेवल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि इस लेवल पे इससे पहले जो है मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस लिया था। यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया है, वापस से इस लेवल पे रेसिस्टेंस लिया, अगेन आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया बट ऊपर की साइड में सस्टेन नहीं किया, वापस से स्टॉक जो है आपको नीचे की साइड ट्रेड करने लगा। फाइनली जो है अगेन यहाँ पे आपको एक अच्छा डबल बॉटम का फॉर्मेशन करने के बाद स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया है। तो इसी वजह से जो है हम लोगों को कंटिन्यूसली एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। और इमीडिएट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो जो इमीडिएट टारगेट होगा वो 91 रुपीज का होगा। 91.55 जो है इस स्टॉक का रीसेंट स्विंग हाई है, जो कि इस स्टॉक ने आपको दिसंबर मंथ में लगाया था। तो सबसे पहला टारगेट जो है इस स्टॉक के लिए वही होने वाला है। अगर हम लोग मंथली बेसिस पे भी बात करेंगे तो मंथली बेसिस पे भी क्लियरली हम लोगों को नीचे के लेवल पे दिख रहा है, जो स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। इस लेवल के नीचे जो है 91.55 के लेवल के नीचे स्टॉक जो है आपको लास्ट टाइम 2018 फरवरी में इस लेवल के नीचे आया था, और उसके बाद से इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया है। इसी वजह से जो है अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस पे स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो एक हम लोगों को राउंडिंग बॉटम और साथ ही साथ कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है कंटिन्यूसली अपर साइड में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे जो है अपसाइड में ब्रेकआउट का प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। 91.55 के ऊपर जो इमीडिएट टारगेट होगा वो आपका 100 रुपीज का होगा। और अगर एक बार स्टॉक इस जोन को सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर आपको इस स्टॉक में जो है एक बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिल सकता है, जहां पे कि 125 और उसके बाद फिर 200 का भी लेवल आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक के ऊपर जो है आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे जो है अगर नीचे के लेवल पे मिलता है तो आप डेफिनेटली जो है यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अभी 2 ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम हो चुका है, तो बेटर होगा थोड़ा सा वेट कर लेंगे रिट्रेसमेंट का, तो वहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और अगर आप लोगों ने नीचे के लेवल पे ऑलरेडी ले लिया है, यहाँ पे अगर बात करेंगे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ था, अगर इन सभी प्लेस पे लिया है 66-70 के लेवल पे लिया है, तो आप कंटिन्यू इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।